हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है ओलेक्टा ग्रीन टेक का। और बात करें ओलेक्टा ग्रीन टेक का, आज बात क्यों कर रहे हैं तो दोस्तों, इसमें जो ऑर्डर है इसके पास और जो न्यूज़ है और जिस तरह के ऑर्डर अब तक इसको मिले हैं वहाँ पर देखा जाए तो ये शेयर अभी तक रिएक्ट नहीं किया है। और हो सकता है आने वाले समय में जब ये रिएक्ट करेगा तो एक अच्छा खासा जो है आपको गेन इसमें देखने को मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं जिसके बेसिस पर मैं इसको कह रहा हूँ कि आने वाले समय में अच्छा गेन दे सकता है, तो वो रीज़न को डिस्कस करेंगे, न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और अब तक कितने ऑर्डर मिल चुके हैं वो चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारे न्यूज़ को डिस्कस करने के बाद इसका टेक्निकल और फंडामेंटल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, मैं चाहूंगा जो लोग नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिले और आप इसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे आपको टेक्निकल चार्ट से और उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा उसके न्यूज़ और टेक्निकल न्यूज़ को देख लेंगे और उसको ऑर्डर बुक को देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग किस चीज़ को मार्क करते हैं, इसका जो नीचे का लेवल है वो है 540 के आसपास का लेवल जो कि आपका लो बना था। आपको देखिए मई में 17 मई को और उसके बाद देखा जाए तो आपको जुलाई जून 20 को और एक सपोर्ट देखा जाए यहाँ पे देखा जाए तो 566 का। तो ये 566 से लेकर 2040 तक के लेवल पे आपको ये कॉन्सोलिडेशन एक देखने को मिल रहा है और इसके ऊपर देखा जाए तो एक हाई जो देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम जो है ये 665 पे अभी जो है रिसेंट देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस ले रहा है 665 के आसपास। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा 665 का, यदि आप इस लेवल पे आप एंट्री नहीं करते हैं तो 665 के अबव जो है यदि क्लोजिंग देता है तो वहाँ पे आपको एंट्री करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्यों मानना है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 691 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर देखा जाए तो 720 के आसपास जो है क्लोजिंग बेसिस पर देखा जाए तो एक जो है रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यानी आपका अगला जो रेजिस्टेंस मिलता है वो है 721 का। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जिस लेवल पे चल रहा है यहाँ से आपको ज़्यादा खोने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे आपको जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसका है, वो है 590 का, और 590 बोलिए या 580 बोलिए, यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देखिए इंट्राडे में एक बार 80 को टच किया था और उसके बाद क्लोजिंग देखे तो आपको 600 के ऊपर की क्लोजिंग दिया था, यानी 600 के नीचे ये शेयर अभी नहीं जा रहा है। और क्यों नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए 600 पे एक जो है क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो आपको यहाँ रेजिस्टेंस देखा है और इस शेयर जो है इसके ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि ये जो शेयर जो है 600 के ऊपर यदि ट्रेड करता है तो यहाँ तक पॉजिटिव है, और यदि ये शेयर नीचे आता है 600 के तो मेरा मानना है कि ये सब लेवल जो है यदि 664 का फिर देखिए ऊपर की तरफ ये बेस शिफ्ट हुआ है 580 पे, तो यहाँ पे जो बेस है जो निचला लेवल है उसके ऊपर ये जो है बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए इन सब लेवल्स पे, क्योंकि यहाँ से 40 तक के लेवल पे यानी 600 के नीचे और 40 तक के लेवल पे यहाँ पे एक्यूमुलेशन एक बनता है, और क्यों बनता है वो रीज़न भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखें तो आपको पिछले साल देखें तो 12 अक्टूबर को क्या हुआ था, 578 पे एक रेजिस्टेंस बना था और यहाँ ब्रेकआउट भी मिला था और वही लेवल कहीं ना कहीं अभी के डेट में देखा जाए तो ये जो है अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो लेवल है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं ये सपोर्ट का लेवल देखिए यहाँ मैच कर गया तो ये सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये लेवल जो है देखा जाए तो 690 750 और ये सारे लेवल जो है 20, तो ये 20 फिर आप देखें तो 693 और 666 का जो है लेवल जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस छोटा सा देखने को मिल रहा है और यहाँ से ये शेयर निकल जाता है दोस्तों, और आप कभी भी इसके ऊपर यदि ट्रेड करने लगता है 720 के ऊपर यदि क्लोजिंग देता है या 734 के ऊपर क्लोजिंग देने लगता है तो यहाँ पर आप बेसिकली एक्यूमुलेट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो जो ब्रेकआउट मिला था तो यहाँ पर आने के बाद ये सपोर्ट जो है पिछले साल देखें तो 745 के आसपास जो है एक सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट बना था और इसके ऊपर निकलने पे ये शेयर डेफिनेटली जो आप अगला टारगेट देगा वो है 871 का, यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखे तो लो देखे तो देखिए दोस्तों ये शेयर जो है हमने जो है 300 के लेवल से डिस्कस करना शुरू किया था, वहाँ से देखे तो ये जो है सेप्टेम्बर में हमने डिस्कस किया था अगस्त सेप्टेम्बर में, और वहाँ से 3 टाइम्स का रिटर्न आपको ऑलरेडी जो है आपको नवंबर में मिल चुका था, और वहाँ से देखे तो ये लगातार कॉन्सोलिडेशन में है और वहाँ से शेयर जो है नीचे के लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। और आपको यहाँ पर हमने मुनाफा वसूली करने का और इन सब लेवल पे 750 के पास भी हमने कई बार ये सब लेवल पे भी आपको जो बोल शॉर्ट टर्म के लिए बताया था, और यहाँ पे बोला था कि यदि ये शेयर जो है नीचे आ जाता है 750 के तो आप वेट करेंगे, कहाँ पे आपको वेट करना था इस लेवल पे, और यहाँ पे भी देखा जाए तो आपने एक्युमुलेट किया हुआ तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे भी अच्छा गेन देखने को मिला होगा। अब ये सारे लेवल जो है आप एक ड्रॉ करें तो आपको यहाँ पर देखें तो अभी थोड़ा सा देखा जाए तो ये जो बेस है ऊपर की तरफ थोड़ा सा खिसकता हुआ नजर आ रहा है।
अब बात कर ले दोस्तों न्यूज का, तो यहाँ पे आपको न्यूज थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो वो न्यूज क्या है तो वो हम डिस्कस करें। तो आपको न्यूज देखने को मिलेगा ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जो है अभी क्या हुआ है, उसको ऑर्डर मिला है कितने का, 123 इलेक्ट्रिक बसेस का, 123 इलेक्ट्रिक बसेस का। ये 19 तारीख का आपका ये जो है आपका न्यूज है। और यहाँ पे देखें तो मल्टीपल यदि देखा जाए तो यहाँ पे देखिए बोर्ड जो है फंड रेजिंग कर रही है, ये एक बहुत बड़ा न्यूज है। ओलेक्ट्रा ने देखिए 500 करोड़ का, इसके पहले भी आपको यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिला था, और उसके बाद देखा जाए तो 100 बसेस का ऑर्डर जो है सप्लाई करने का यहाँ पे भी मिला था। और उसके बाद रेटिंग भी इसमें अपग्रेड करने को, ICRA ने इसके रेटिंग को भी अपग्रेड किया था। और उसके बाद देखे तो 201 इलेक्ट्रिक बसेस का जो है बेस्ट की तरफ से यहाँ पे इनको ऑर्डर मिला था, सबसे बड़ा ऑर्डर जो है 2100 बसेस का इसको मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ह्यूज ऑर्डर बुक है, आपको ये ऑर्डर बुक देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, और आने वाले समय में ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तो डेफिनेटली तब ये जो आपको यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ये कॉन्सोलिडेशन ओवर होता हुआ दिखेगा। और इन सब लेवल्स को आपको आपको ध्यान में रखना होगा ताकि मौका कहीं निकल ना जाए हाथ से। तो ये चीज़ें हैं। और यहीं पे बात कर ले दोस्तों, यदि फंडामेंटली देखें तो शेयर का देखें तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है, यदि देखें तो इंडस्ट्री का रिवेन्यू देखें तो आपको उससे अच्छा दिखता है, 41.51% का आपको रिवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का 15 है, यानी हाफ डबल से भी ज़्यादा का इसमें जो है इंडस्ट्री रिवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मार्केट शेयर जो है 0.35% से लगभग जो है 3 गुना इन्होंने मार्केट शेयर किया 5 सालों में। और यहाँ पर देखें नेट इनकम देखें तो इनका 33.2% है, जबकि इंडस्ट्री का 25.3% है। एंट्री पॉइंट के लिए जो है कोई रेड फ्लैग इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और यही रीजन है जो कि आपको मैं बताऊं यहाँ पे जो रीजन है, जो ये सारे बसेस का ऑर्डर मिले हैं ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और आपको यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक बसेस में डिमांड जो है आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक बसेस का मिला है ये देखिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर मिला हुआ है, और ये हर जो भी ऑर्डर मिलता है उनको 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी मिलता है। और साथ साथ ये कंपनी जो है आपको चार्जिंग स्टेशन भी सप्लाई करती है, बना के देती है, और उसके बाद से जो इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है उससे भी रिवेन्यू जो है कंसिस्टेंट रिवेन्यू जो है जनरेट होता है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ बसेस डिलीवरी करने के बाद। और इनके बसेस का देखें तो BYD के साथ, यानी चाइना की जो सबसे बड़ी कंपनी है उनके साथ इनका टाई अप है, और ये हैदराबाद में बेस्ड कंपनी है। और यहाँ पर देखा जाए तो 40% से ज़्यादा का इसका मार्केट शेयर है इंडियन, यदि ई बसेस में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बसेस में 40% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस तरह के शेयर्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह देना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय जो है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस का होने वाला है, और इलेक्ट्रिक बसेस को आपको ध्यान में रख के ही इसमें जो है एक पोजीशन बनाना चाहिए, कुछ जो है पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा जो है आपको इस तरह के शेयर्स में देने चाहिए। भले ही ये देखा जाए तो आपको यहाँ पर 3 टाइम्स का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, यदि आपने पहले भी देखा मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ से आपको फायदा मिल रहा होगा। और यहीं पर बात करें वॉल्यूम का, देखिए आज 4 लाख का वॉल्यूम है, और यहाँ पर डिलीवरी देखा जाए तो 41% का डिलीवरी जो है यार पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और ये वीकली एवरेज देखा जाए तो 50% का, मंथली एवरेज देखा जाए तो 50% का डिलीवरी यहाँ उठाया जा रहा है, यानी मोर देन यहाँ 50% का डिलीवरी उठाया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें भी आपको मार्क करना होगा, और ये कहीं ना कहीं साइन है कि आने वाले समय में इसमें जो है अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है, इसीलिए अभी से इसकी तैयारी कर लीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको इसमें अच्छा खासा गेन आपको देखने को मिल सकता है। तो लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले या अपना ट्रेड करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपना ऑन रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, मेरे कहने या किसी और के कहने मात्र से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको मार्केट देखना होगा कि बसेस का क्या है, आने वाले समय में क्या इसका फ्यूचर है, ये सारी चीज़ों को आप एक बार जरूर खंगाल लें। नेट आपका अवेलेबल है, गूगल पे सर्च कीजिए, सारे डेटा मिल जाते हैं, और कितने ऑर्डर मिले हैं वो भी आप देखिए, कितने एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो भी देखिए, कितना मार्केट शेयर है वो भी देखिए, और फिर जो है एक डिसीजन लीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बताना था आपको। ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।